मुरादाबाद जनपद के मूना पांडे थाना क्षेत्र के गांव चमरोहा में पुरानी रंजिश रखते हुए ट्यूशन पढ़कर आ रहे छात्र को बीच रास्ते में घेरकर मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। मारपीट की सूचना छात्र के परिवार वालों को गांव के ही किसी व्यक्ति ने घर जाकर दी। मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने देखा कि उनका बेटा बेहोशी की हालत में बीच रास्ते में पड़ा था, जिसे परिवार वाले आनन फानन में इलाज के लिए मुरादाबाद निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने छात्र को देखते ही मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद रजा 14 वर्ष पुत्र राशिद अली निवासी चमरोहा का रहने वाला था। वह सुबह के समय ट्यूशन पढ़कर आ रहा था। घर को आते समय गांव के ही दबंग द्वारा पुरानी रंजिश रखते हुए बीच रास्ते में घेरकर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार वालों ने पुलिस को गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेज दिया और आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुट गई। मोहम्मद रजा की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और जो बच्चा खत्म हुआ वो मेरा भतीजा था, मोहम्मद रजा उसका नाम है, बाप का नाम मोहम्मद राशिद है। बच्चा क्या करता था? बच्चा स्कूल में पढ़ता था, मदरसे में पढ़ता था। और उसके बाद में जो एक बार उससे हुक्ताक हुई थी लड़ाई की, और उसके बाद में एक बार अनदेखा देख लिया, अनदेखा कर दिया। आज उसे इतना मार लिया कि उसे ठोर मार दिया, जान से मरा, जान से छोड़ के मार के, और उसे हम उठा के लगाए, हम अस्पताल ले गए। अस्पताल में जो है डॉक्टरों ने मरा हुआ घोषित कर दिया, हम उसे घर लिया। आने के बाद में उसे पुलिस आ गई घर, अब उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। अब हम उसे केस करना चाहते हैं जो हमारे बच्चों को मारा है, जो कि आगे को कोई ऐसा काम नहीं करें ये लोग। बच्चे के साथ 16 साल उम्र होगी। आज दिनांक 26 जून 2022 को थाना मुंडा पांडे ग्राम चमरोगा में दो बच्चों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर के मारपीट हो गई, जिसके वजह से एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 14 साल है की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंची। मौके पहुंचने के पश्चात पुलिस बल के द्वारा शव का पंचनामा कराया गया तथा इसके पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में पुलिस बल के द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।